गुड आफ्टरनून एवरीवन। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी, मिस्टर अनुराग वर्मा जी चीफ सेक्रेटरी, स्टेज पे हमारे साथ हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर संजीव अरोड़ा, वेरी रिस्पेक्टेड मिस्टर कपिल शर्मा, मिस्टर बॉबी बेदी, मिस्टर संतोष कुटी, मिस्टर एहसान कुरेशी, मिस्टर सुनील पॉल, मिस्टर समीर, मिस्टर एवी राव, मिस्टर सीवी राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म मिस्टर मिसेज राखी गुप्ता जी, सीईओ इन्वेस्ट पंजाब डीपीएस खरवंदा जी, डायरेक्टर टूरिज्म वरिंदर कुमार शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे, जितने इन्वेस्टर्स, टूर ऑपरेटर्स, मीडिया देश भर से आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद थोड़ा इतने आने। सो जैसे आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देखी कि आज तक बहुत सारे लोगों को पता है कि पंजाब का रिलीजियस टूरिज्म नंबर वन है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग अमृतसर साहिब में डेली आ रहे हैं। 25-30 हजार लोग बाघा बॉर्डर की सेरेमनी देखने जाते हैं। सो रिलीजियस टूरिज्म में पंजाब का कोई जवाब नहीं है। फर्स्ट टाइम जो पंजाब अपने बहुत सारे एरियाज में डोर ओपन कर रहा है, पंजाब की हवा में देशभक्ति है, बॉर्डर टूरिज्म, पेट्रियाटिक टूरिज्म, भगत सिंह की धरती है, शहीद उधम सिंह की धरती है। सो अगर आप लोगों ने श्रद्धा देखनी है तो वो पंजाब की हवा में है। सो रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ हमारे पास सभी सर्किट है। बॉर्डर टूरिज्म, पंजाब ने जितनी जंगें लड़ी हैं, जितने युद्ध लड़े हैं, पंजाब में डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे सेरेमनीज होती हैं। जितने हमारे टूर ऑपरेटर्स बैठे हैं उनके लिए पैकेजेस बनाना, पंजाब कैन बी अ सिंगल डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। सो हमारे पास बॉर्डर टूरिज्म के साथ साथ नेचर टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, सो एवरी सर्किट वी हैव इन पंजाब। रिसेंटली हमारे सीएम साहब भगवंत मान जी ने, जो उनका सपना है कि पंजाब को टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे लेकर जाना, ये एक नई सरकार है और पंजाब को प्यार करने वाली सरकार है। आज तक बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहां पे बैठे हैं, बहुत सारी मुश्किलें आप लोगों को आई हैं, लेकिन सीएम साहब भगवंत मान जी की सरकार में नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से इस समिट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। 1 साल से हमने पॉलिसीज बनाई हैं जो आज तक पंजाब में नहीं बनी। आपने यहां का रिलीजियस टूरिज्म देखा है, बॉर्डर टूरिज्म देखा है, लेकिन अभी हम लोग एडवेंचर टूरिज्म एंड वाटर टूरिज्म की पॉलिसीज हमने पिछले साल लॉन्च की है इन्वेस्टर समिट पे, और वेलनेस टूरिज्म की जो पॉलिसी है वो नहीं आ रही है। सो हम लोग अपने नदियों में, पंजाब 5 दरियाओं की, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, हम अपने पहाड़ों की, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो पहाड़ों में, माउंटेन्स में, लेक्स पे, जंगल में जा रही है अपने, क्योंकि हर बंदा स्ट्रेस में है तो उसको जो वेकेशन करना है तो पीस चाहिए, और पंजाब खुशियां बांटने वाली धरती है। यहाँ की ऊर्जा अलग है, गुरुओं पीरों की, बाबा नानक की धरती है। यहाँ पर जब आप अमृतसर में एंटर होते हो तो आपकी जब बाहर निकलते हो ना, पूरी नेगेटिव एनर्जी आउट हो जाती है। बड़ी बड़ी भक्ति हुई है इस धरती के ऊपर, कुर्बानियां हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों ने कुर्बानी दी है, खुशियां बांटने की। मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपके देती हूँ। जब पूरा देश दिन भर थका होता है, पूरा देश, भारत देश की मैं बात कर रही हूं,
पूरे दिन की स्ट्रेस शाम को कपिल शर्मा जी का शो देख के उतारनी पड़ती है. ही इज अ सन ऑफ पंजाब. पूरे देश की जो मुझे एक भी बंदा यहाँ पे नहीं मिलेगा जो शाम को कपिल शर्मा जी को नहीं देखता. ये पंजाब के बेटे हैं और पाजी वी प्राउड ऑफ यू. जितना आपने नाम पंजाब का बड़ा किया है सो हमारे लोग तो खुशियां बांटने वाले हैं. लोगों का ऐसे हीरे पंजाब ने पैदा किए, पंजाब की धरती ने, जिसको पूरा देश प्यार करता है. और ये छोटे से इन्विटेशन पे अपने पंजाब के लिए, क्योंकि प्यार करते हैं धरती को. सो पंजाब अपने जो नए दरवाजे हैं, नए डोर्स वो खोल रहा है. जितने भी इन्वेस्टर्स हमको सुन रहे हैं, एक फ्रेंडली गवर्नमेंट है. सीएम साहब टूरिज्म को आगे लेके जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक ईमानदार सरकार. इसकी पंजाब की हवा में ईमानदारी है, श्रद्धा है, देशभक्ति है. और हमारे पास नेचर की कोई कमी नहीं है. पठानकोट से लेके, इसको मिनी गोवा बोला जाता है. आप जाओगे ब्लू वाटर, लश ग्रीन लैंड, क्या खूबसूरत वादियां. पठानकोट को हम पूरे का पूरा एडवेंचर एंड वाटर टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे लेके जाने वाले हैं. पॉलिसीज रेडी हैं, पॉलिसीज लॉन्च हो चुकी हैं. इको टूरिज्म अभी हमारा मेन फोकस है कि पंजाब में जितने पठानकोट से लेके होशियारपुर नेचर से भरा हुआ है, लेक्स, डैम्स, रणजीत सागर डैम इन पठानकोट, आप आगे आओगे रोपड़, आनंदपुर साहिब, न्यू चंडीगढ़, सिसमा डैम, मिर्जापुर डैम. सो पंजाब में ना तो नदियों की कमी है, ना पहाड़ों की कमी है, ना जंगलों की कमी है, लेकिन पॉलिसीज नहीं थी पहले. अभी हम इस जो हमारा इको टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, वाटर टूरिज्म है, इसमें अपने जो डोर्स हैं गवर्नमेंट ओपन कर रही है. सीएम साहब पर्सनली जो इसके लिए प्लान्स, एफर्ट्स पुट कर रहे हैं. और इन्वेस्ट पंजाब का हमारा सिंगल विंडो टूरिज्म के साथ साथ मेरे पास इन्वेस्ट पंजाब डिपार्टमेंट भी है. सो हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम है. जैसे डीपीएस खरबंदा जी ने आपको अभी बताया कि सिंगल विंडो पे हम सारी क्लियरेंस देते हैं. आप ये नहीं सोचना कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं मिलेगी. ये हमारी टेंशन है. हम पर्सनली हेडेक लेंगे. कोई सरकार का बंदा आपको, इन्वेस्टर को बॉदर नहीं करेगा. आप आइए, बताइए कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है. सीएम साहब के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि इन्वेस्टर परेशान नहीं होना चाहिए. और ये नई सरकार है, नई सोच है, यंग जनरेशन की सरकार है. सो पंजाब की ग्रोथ स्टोरी में आप पार्टिसिपेट कीजिए. बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम पंजाब में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे रंगला पंजाब इन अमृतसर. ये हम स्पेशली, बहुत सारे एनआरआईज भी इधर आए हुए हैं आज इन्वेस्टमेंट पर्पज से. तो रंगला पंजाब हमने खास तौर पे एनआरआईज के मद्देनजर रखा है, जो आफ्टर लोहड़ी 14 को होगा. और इट विल बी अ नेशनल फेस्टिवल जो लगातार 2 हफ्ते चलेगा, जिसमें पंजाब का आर्ट, कल्चर, फूड, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्री सब एक जगह पे होगा. और जितने हमारे टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, आप एनआरआईज के लिए पैकेजेस बनाइए. उन दिनों पूरे का पूरा एनआरआईज अपने बच्चों के साथ पंजाब आते हैं और उसको बहुत सारे भागों में हम पूरे अमृतसर को बांटेंगे. सो पंजाब में किसी चीज की कमी नहीं है. टूरिस्ट हमारे पास 1 लाख से ज्यादा आ रहा है डेली. लेकिन जो नई जनरेशन है, जे इसका जो रुझान है वो इको टूरिज्म की ओर ज्यादा है. सो आप लोग, हम जो फैम टूर्स हैं 13th of September को वी आर ऑर्गेनाइजिंग दैट. आप लोगों ने पठानकोट जाना है, आप लोगों ने आनंदपुर साहिब देखना है, कपूरथला देखना है, पंजाब के महाराजाज के फोर्ट्स देखने हैं, किले देखने हैं, जिसका भी आप रजिस्टर हमारे साथ करवा सकते हैं. और 13th of September को आप लोग फैम टूर्स पंजाब के जरूर कीजिए. उसके लिए आप हमारी पूरी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं. सो आप इतने G20 होने के बावजूद भी इतना बड़ा इकट्ठ और इतने लोग टूरिस्ट ऑपरेटर आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका. ये बाबा नानक की धरती है. यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी वाले लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं, फुल ऑफ लाइफ लोग हैं, जो प्यार करते हैं लोगों को. भोले हैं लेकिन दलेर हैं ना. जे जुल्म किसी पे करते हैं ना सहते हैं. हमेशा कभी कहीं पे, पूरे देश से बाहर भी कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पंजाबी वहां पे जाकर भी जो लंगर लगाते हैं
बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हमारी हैं. सो आप बताइए, हमें आप बताइए कि कहाँ पे आप लोगों का मन है इन्वेस्टमेंट का. और टूर ऑपरेटर्स हमारी पूरी ऑफिसर्स की टीम है. किसी को, जितने टूर ऑपरेटर्स आपको प्रॉपर हम सर्किट्स जो पंजाब के बना के देंगे, किसी चीज़ की पंजाब में कमी नहीं है. हेरिटेज सर्किट हो, चाहे वो विलेज फार्म सर्किट हो, बहुत सारे जो हेरिटेज सर्किट को हम एक्टिवेट कर रहे हैं. जितना जैसे राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया है, तो हमारे पास भी कोई किलों की महाराजाज की कमी नहीं है. उनको हम पूरे का पूरा लाइव करेंगे. आप बॉर्डर दिखाइए पंजाब का, अलग अलग सेरेमनीज होती हैं. सो पंजाब हैज एवरीथिंग. और मैं अपने पूरे ऑफिसर्स की टीम की, जिन्होंने एक साल से लगातार काम कर रहे हैं, और ये फर्स्ट टाइम पंजाब में सरकार ने टूरिज्म समिट एंड ट्रेवल मार्ट करवाया है, मैं अपनी टूरिज्म के ऑफिसर्स का बहुत धन्यवाद करती हूँ. और राकेश पोपली जी हमारे डायरेक्टर, एसपी गर्ग जी फ्रॉम इन्वेस्ट पंजाब, सिद्धू जी, सभी टीम, सभी ऑफिसर्स ने बहुत काम किया है, क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं होता है. और सीएम साहब का तह दिल से शुक्रिया करती हूँ. और हमारे धन्यवाद है कि पंजाब की धरती को प्यार करने वाले जो मुख्यमंत्री पंजाब को मिले हैं, क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेंगी, स्टेट की इकोनॉमी बढ़ती है, और पंजाब में किसी चीज की कमी नहीं है. आप बताइए क्या करना है आप लोगों ने. हम लोग हर मोड़ पे आप लोगों के साथ हैं. और जितने भी हमारे मंत्री साहबान, एमएलए साहबान, हमारी औहदेदार, जितने लोग भी आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और सभी का बहुत वेलकम. थैंक यू सो मच.